मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को कपड़ा से प्रॉब्लम होता होगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो टोटली नंगा था। उसके बाद जब आदम और ईव दोनों ने कुछ गलती किया, पाप किया, तो उन लोग दोनों ने पत्ते से अपने आप को कवर किया। उसके बाद उस पत्ते, वो पत्ता भी परमानेंट नहीं रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उन लोगों को चमड़ा पहना दिया। उसके बाद जब यीशु का समय आया, नूहा और मोजेस का समय आया, हम लोगों ने देखा कि लंबा लंबा कपड़ा आ चुका था। जब यीशु का समय आया तो देखा तो वो तो जूता भी पहन रहा था। सो परमेश्वर को आप क्या पहन रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। और क्या आप क्या, कौन सा स्टाइल को आप ले रहा है, आप हम यहाँ जरूर नहीं पहनते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं पहनता ही है। सो हर कल्चर में, हर भाषा में, हर जाति में सबका अपना अपना कपड़ा है। बाइबल ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना कपड़ा बदलो, बाइबल ने ये कहा है कि तुम अपना मन बदलो। प्रियो, आज मन बदलना इम्पोर्टेंट है, अपना स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर के तरीका से जीना इम्पोर्टेंट है। कपड़ा से परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं, मेरा परमेश्वर इतना सस्ता नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको कपड़ा से प्रॉब्लम होगा। दोस्तों आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आपको मिस गाइड हुआ है। आप कपड़ा नहीं, अंतरात्मा को देखिए, आपका सोच और विचार, अपना धारा को देखिए। क्रिश्चियनिटी इट्स नॉट अबाउट योर व्हाट यू आर वेयरिंग, क्या पहन रहा है वो नहीं है। क्रिश्चियनिटी इट्स ऑल अबाउट आर यू डूइंग द विल ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड।